Hey guys, welcome to Last moment tuitions. It's Yash Kukreja from How's the Code YouTube channel. And आज के इस वीडियो में हम लोग ADT का concept देखेंगे data structures के अंदर. So what is ADT? Actually ADT stands for abstract data type. And यहाँ पे जो abstract है वो जो programming language जो हम लोग abstraction use करते हैं वही same concept है, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग user से सिर्फ essential information ही show करें and उसकी जो implementation है उसे hide कर दें, जिससे जो user है वो easily यूज़ कर पाए हमारे प्रोग्राम्स को. जैसे तुम लोग अभी ये वीडियो देख रहे हो तो तुम लोग बस ये वीडियो ही देख रहे हो, तुम्हें ये नहीं पता कि इंटरनली कौन सी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही है तुम्हारे मशीन लेवल पे, तुम्हारे फ़ोन के अंदर, राइट. तो सिंपली तुम लोग इसे एब्स्ट्रैक्शन का एक अच्छा खासा एग्जाम्पल कह सकते हो. प्लस तुम लोग ये भी कह सकते हो कि एब्स्ट्रैक्शन इज़ वॉट टू डू बाय हाइडिंग हाउ टू डू इट. ओके, तो हम लोग सिंपली ये देखते हैं कि हमें क्या करना है, ना कि ये जाने कि कैसे करना है. इसका एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग. तो यहाँ पे एक कार मैन्युफैक्चरिंग का एक एग्जाम्पल है कि कार के अंदर डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस होते हैं, राइट. कि उसके अंदर एक इंजन होता है, उसके अंदर गियर होते हैं, पेट्रोल टैंक होता है, टायर्स होते हैं, ऐसे और भी बहुत सारे एसेंशियल फीचर्स होते हैं. एंड वो क्या क्या कर सकता है, उसमें हम लोग इंजन स्टार्ट कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, उसमें अप्लाई कर सकते हैं ब्रेक्स को. एंड उसका पेट्रोल टैंक कम हो जाता है तो एक नोटिफिकेशन आ जाता है. तो सिंपली क्या है कि फॉर एग्जाम्पल तुम लोग एक कार लेने जा रहे हो तो तुम लोग कार मैन्युफैक्चरर के पास जाओगे एंड उसे कहोगे कि देख मुझे एक कार चाहिए जिसके अंदर मैं उसका इंजन स्टार्ट कर पाऊँ, उसे ड्राइव कर पाऊँ, उस पर ब्रेक अप्लाई कर पाऊँ जब मैं फास्ट चलाऊँ तो, एंड जब मैं मेरा पेट्रोल जो है वो कम हो जाए तो मुझे एक नोटिफिकेशन मिल जाना चाहिए. तो वो क्या करेगा, सिंपली अपने जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है जो उसे चाहिए एक कार से, वो अपने रिक्वायरमेंट्स उस कार मैन्युफैक्चरर को बता देगा. उससे वो कार मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, अपना खुद का लॉजिक लगेगा कि अच्छा ऐसे ये फीचर्स चाहिए तो मैं ये वाला इंजन डाल देता हूँ, ये वाला गियर डाल दूंगा, एंड इतना लीटर का पेट्रोल टैंक डाल दूंगा, ये अच्छे वाले टायर्स यूज़ करूँगा. वो जो है कार मैन्युफैक्चरर वो अपना लॉजिक लगाएगा एंड एट द एंड उससे बस यही है कि जो भी यूज़र को चाहिए वो चीज़ें मैं इम्प्लीमेंट कर सकूँ, भले ही वो कुछ भी मटीरियल यूज़ करे, कुछ भी करे उस कार को लेके, राइट. तो यही है कि ये जो तुम लोग देख रहे हो ये कार का एब्स्ट्रैक्ट व्यू है कि ये उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है जो यूज़र को चाहिए. एंड इस मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कार मैन्युफैक्चरर, अलग अलग कार मैन्युफैक्चरर अपना अलग अलग लॉजिक लगा के वो उस कार को बिल्ड कर सकते हैं. एंड एब्स्ट्रैक्ट व्यू का भी यही होता है कि तुम लोग सिंपली ये बता देते हो कि तुम्हें क्या क्या चाहिए अपने प्रोग्राम से, एंड उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो पूरी की पूरी तरह से उस प्रोग्रामर के ऊपर होता है. अब लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ ADT ऑफ एन डेटा स्ट्रक्चर. सो सिंपल सा एक एग्जाम्पल दूँ तो एरे का ADT कुछ इस तरह से दिखेगा कि भाई मेरे को एरे क्रिएट करना है, उसमें वैल्यूज सेट करनी है, उसकी वैल्यूज गेट करनी है, एंड कोई भी वैल्यू मुझे रिमूव करनी हो तो वो भी मैं कर पाऊँ. सो सिंपली हम लोग ऐसे एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू बना देंगे. अब ये व्यू अगर हम लोग कोई भी प्रोग्रामर को देंगे तो उसे पता चल जाएगा, ठीक है, उसे क्रिएट करना है एक एरे, उसे सेट करनी है वैल्यूज़, उसे गेट करनी है, उसे रिमूव करनी है. तो अलग अलग अभी प्रोग्रामर अपने अलग अलग लॉजिक लगाएंगे. कोई डायनामिक एरे भी बना सकता है इसके लिए, बैक एंड पे वो इसके ऊपर कुछ भी परफॉर्म कर सकते हैं, अपनी अपनी मेथड्स. ये सारी मेथड्स हमने बना ली है. अब इसका जो स्टेटमेंट है, लॉजिकल स्टेटमेंट है, वो हर एक प्रोग्रामर अपने हिसाब से लगाएगा, अपने हिसाब से बना सकता है. तो इसका ये एक एडवांटेज होता है कि हम लोग सिंपली एक ADT बना देते हैं एंड उस ADT को अलग अलग प्रोग्रामर्स अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने हिसाब से उसे इम्प्लीमेंट कर देते हैं, राइट. अब इसे हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि वाई वी यूज़ ADT. तो इसका एक और अच्छा खासा एग्जाम्पल है कि ये देखो, फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारा प्रोग्राम है एंड ये हमारा पूरा ADT है. तो हमने अभी तक जो डिस्कस किया, पिछले वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हम लोग डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हैं, राइट. तो हम लोग क्या करेंगे, ADT के अंदर सारे के सारे जो हमारे ऑपरेशंस है जो हम लोग हमारे डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर कर पा रहे हैं वो सिंपली डिफाइन कर देंगे. तो ADT क्या, ADT इज अ सेट ऑफ ऑल द ऑपरेशंस वी कैन परफॉर्म ऑन अवर डेटा स्ट्रक्चर, सिंपल. तो ये क्या करेगा, ADT है हमारा जिसके अंदर हमने सारे के सारे ऑपरेशंस कर रखे हैं कि क्रिएट करने का ऑपरेशन, सेट करने का, गेट करने का, एंड सारे के सारे जो भी ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं वो सारे ADT के अंदर हमने रख दिए और वो डायरेक्टली जो है हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स के साथ पैड है, ठीक है. और अभी फॉर एग्जांपल तुम्हारा एक प्रोग्राम है तो तुम्हारे प्रोग्राम क्या करेगा, सिंपली ADT को एज अ इंटरफेस यूज़ कर लेगा अपने प्रोग्राम में डेटा स्ट्रक्चर्स को एक्सेस करने में. ठीक है। तो तुम्हें क्या करना पड़ा, सिर्फ एक बार तुम्हें एडीटी बना दिया अपना, तुम लोग सिंपली अपने प्रोग्राम को अपने एडीटी के साथ कांटेक्ट करोगे इंटरफेस के थ्रू एंड सिंपली उसे यूज़ करोगे तुम्हारे प्रोग्राम के अंदर। अब कोई और भी प्रोग्राम आ जाता है तो उसे भी ये सेम चीज़ करनी पड़ेगी, एडीटी को एज ए इंटरफेस यूज़ करके वो इस डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकता है। एंड एक्चुअली जो प्रोग्रामर है, जो यूज़र है उस प्रोग्रामर का, उसे बिल्कुल भी नहीं पता कि इस क्रिएट मेथड के अंदर वो क्या इंप्लीमेंट कर रहा है। वो सिंपली क्रिएट मेथड यूज़ करता है एंड सेट मेथड और गेट मेथड यूज़ करता है, उसके अंदर का जो लॉजिक है वो उसे बिल्कुल नहीं पता होता। सो दैट्स वाई इट इज़ एब्स्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो आई होप कि तुम लोगों को एडीटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, please hit the like button if you like this video, subscribe to this channel and stay tuned for the next videos, and also go check out to my channel How's the Code for more coding stuffs.